एडवेंचर ट्रिप ऐसे ही नहीं कहते हैं और ऐसे ही पूरी नहीं होती है। जब तक जान हलक में ना आ जाए तब तक ट्रिप का मज़ा नहीं आता है। पहले ये पहाड़ आपसे दूर जा रहे थे, अब ये पहाड़ आपके करीब आ रहे हैं, इसलिए मेरा जाने वाला सूट किया तो अब मैं आने वाला सूट कर रहा हूँ। अभी सूरज बादलों के पीछे, तो आप देखेंगे नज़ारा बदल गया है। कैसा लग रहा है मित्रों? जब वीडियो में अच्छा लग रहा है आपको तो हकीकत में क्या नहीं होगा, लेकिन जान हलक में आ जाएगी दोस्तों। मित्रों यहाँ पर इतनी ऊंचा ये फूल खिले हुए हैं, जो मेरे सबसे नज़दीक है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। छोटे 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 मिलकर एक हो गए हैं, एकता, इसे कहते हैं एक। और इन पत्थरों के बीच में छुपा हुआ है ये फूल, मुगल गार्डन कहता हूँ इसे मैं, बियाबान में जहाँ पेड़ नहीं है, कहीं कहीं पे घास भी नहीं है, वहाँ पर ये फूल खिले हुए हैं। तो आप जान सकते हैं यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपके अंदर से एक इच्छा जगेगी, कहेंगे कि हाँ बाबा सादगी की बात में दम है, बहुत कम फूल है ये। यहाँ पर ये पीले छोटे पीले पीले फूलों का एक बगीचा सा है, नीला फूल भी है और ये पीले पीले फूल ऊपर तक हैं। प्रकृति का ये कैसा अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। यहाँ ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, तो इस तरफ हरे हरे पेड़ों से और घास से, यही है प्रकृति का जादू। वहाँ फूल है तो यहाँ पत्थर है। मौसम करवटें बदल रहा है, हो सकता है शाम तक यहाँ बारिश। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना,
भूल हुई। पत्थर के सनम ए फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। दोस्तों, इन फूलों के देख के मेरे अंदर वही फीलिंग आ रही है, क्या आपके अंदर भी आ रही है? सोचो, लाखों ब्लॉगर हैं, उनमें एक बाबा सादगी है जो आपका दिल जीतना चाहता है। सोच औरों से अलग है, यही सोच मुझे आपके करीब लाएगी। दिल जीत लिया इस नज़ारे ने मेरा तो। फूलों के दिल से, दिल की कलम से लिखी तुम्हें रोज पाती। ये रंग क्या है, ये रूप क्या है, आगे नहीं आता दोस्तों। बस मेरा दिल तो ऐसी ही खूबसूरती ले जाती है। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। रुकूंगा, आराम से देखिए। तो प्रकृति से बड़ा कोई जादूगर है? प्रकृति से बड़ा कोई चमत्कार दिखा सकता है? मैं तो कहूँगा नहीं। ये मौका जिंदगी में दोबारा मिलेगा या नहीं, इसलिए मैं हर दिन उस लम्हे को जीता हूँ जिसमें मेरी सांस चलती है। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। माफ करना दोस्तों, मैं बीच में बड़ा जोर से हंसा था, ठहाका लगाया था, वो मेरी गंदी आदत है, क्योंकि मैंने 3 बार रावण का रोल भी किया हुआ है, इसलिए मैं कभी मुस्कुराता कम हूँ, ठहाके ज़्यादा लगाता हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर आपके दिल में थोड़ी सी दहशत पैदा हुई हो। नज़ारा और ये भाई यहाँ अकेले रहते हैं, कैसे टाइम पास करते हैं पता नहीं। मित्रों, अच्छा लगा? इस पानी की गड़गड़ाहट, इसका जो म्यूजिक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हॉरर मूवी हो। दूर आप देख रहे हैं, वहां भी फूल खिले हुए हैं।
और मौका मिला है इस खूबसूरती को कैद करने का। वक्त लूँगा ताकि आप भी इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकें। ऊंचाई पर है, मेरे मित्र ने बताया कि अगर आप अगले महीने आते तो यहाँ पे और भी कई प्रकार के फूल आपको नज़र आते, लेकिन मैं मित्र से कहा कि अगले महीने तो बारिश का मौसम भी हो जाता है, तो बोला हाँ आपने सही कहा, धुंध छा जाती है तो जो कुछ आपको अभी नज़र आ रहा है वो भी आपको शायद नज़र नहीं आता। यूँ तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, किंतु एक हल्की सी झलक तो यहाँ भी बनती है भाई। देख लीजिए दोस्तों, तो अब चलें आगे, फिर आपको फूल दिखा दिए मैंने। धूप छांव का खेल जारी है, हरियाली भी है, बर्फ भी है, छाया भी है, सब कुछ है। ठीक। इस नज़ारे को आप क्या कहेंगे, स्विट्जरलैंड, अलास्का और एल्प्स, मैं नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ उसको, मैं फ्रांस में है वो। दिल करता है इन नज़ारों को देखने का, यहाँ घूमने का। अरे यार बनाइए प्रोग्राम दोस्तों, फालतू जगह पे पैसा खर्च मत कीजिए, बचत कीजिए और आइए प्रकृति का नज़ारा लीजिए। ज़िंदगी में यही एक खजाना है, बाकी तो सब यूँ छोड़ जाना है। मित्रों जो बोल रहा हूँ भगवान की सौगंध सच बोल रहा हूँ। मैंने इस पेड़ को देखा और मैंने अपने मित्र को बोला कि अगर मैं आज झूठ बोलूं कि इस पेड़ पे बिजली गिरी थी तो सब यकीन करेंगे, और मित्र ने बोला कि आपने झूठ नहीं बोला है ना आप झूठ बोल रहे हैं, हकीकत में इस पेड़ पे बिजली ही गिरी थी। माता रानी के दरबार में हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो बोला है सच बोल रहा हूँ। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक पूरा काला है, और ऐसा जो है बिजली ही कर सकती है, क्योंकि अगर पेड़ को जलाया जाता तो ये नीचे से जलता तो पूरा जलता। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, कह दो तू जानू गुरु तुमको मानू। इतना याद है दोस्तों, क्या नहीं है मेरे देश में दोस्तों, क्या नहीं है। दूध की नदियां बह रही है दोस्तों, दूध की नदियां।